हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं 11:30 बजे आप लोगों से ऑनलाइन होने वाली हूँ फेसबुक पे, तो मैं आप लोगों के बीच लाइव आ चुकी हूँ। और ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग। आज मेरा जन्मदिन है और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत विश किया, उसके लिए थैंक यू। और आज मेरा गाना भी रिलीज़ हुआ है, करा वीडियो कॉल। तो किन किन लोगों ने सुन लिया है, कैसा लगा गाना वो आप जरूर बताइएगा। अभी डीजे बिट्टू जी मुझसे जुड़ गए हैं, मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं, थैंक यू। और आज मैं विशेष तौर पे कुछ लोगों का नाम लेना चाहती हूँ जिनका नाम मैं कल नहीं ले पाई थी। मैं रवि जी का नाम लेना चाहूंगी जो कृपालपुर के रहने वाले हैं, कृपालपुर गाँव से हैं और मेरे गानों को बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू रवि जी, आप मेरे गानों को पसंद करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि करा वीडियो कॉल अभी तक आपने सुना है कि नहीं। और साथ ही साथ पिंटू जी हैं कोलकाता से, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो टीटागढ़ में रहते हैं और मेरे बहुत फैन हैं उनके। वो मुझसे बहुत पहले भी मिल चुके हैं, जब मैं बहुत छोटी थी तब भी वे उन्होंने मुझे कुछ फोटो शेयर किया था अपने साथ में। और साथ साथ अभी एक शो हुआ था उसमें भी वो आए हुए थे। तो पिंटू जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे बहुत सारे मित्र अभी मुझसे जुड़ गए हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। विकास कुमार मौर्या जी जुड़े हुए हैं, सरोज सोनी जी नमस्कार कर रहे हैं, विकास कुमार मौर्या हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, थैंक यू डियर। साहानी पवन जी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। विवेक रंजन कह रहे हैं कि देश के जाने माने सिंगर और बिहार की बेटी देवी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू विवेक रंजन, समाज सेवी और आप पत्रकार भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, डीजे बिट्टू जी कह रहे हैं कि देवी जी, विनय जी का एक धमाकेदार गाना आया है करा वीडियो कॉल, चलिए आपने उसका डीजे बनाया है तो आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी करा वीडियो कॉल आप लोग जरूर देख के सुन के बताइए कैसा लगा आपको। मोगली क्लिकर जी मुझसे जुड़ गए हैं, मुझे देख रहे हैं। शंभू कुमार जी मुझे विश कर रहे हैं, बर्थडे विश कर रहे हैं, थैंक यू। विजय कुमार शर्मा जी बर्थडे विश कर रहे हैं। शिखा मिश्रा जी मुझे देख रही हैं, मोगली क्लिकर जी भी बोल रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे डियर देवी दीदी, होप यू विल हैव ए स्पेशल डे, थैंक यू डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। रमेश मिस्त्री कह रहे हैं, थैंक यू रमेश जी। श्यामाधर सिंह जी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी मुझे हैप्पी बर्थडे मैम कह रहे हैं, थैंक यू सुरेंद्र जी। कैसे हैं आप? मुझे पता है कि आजकल सबका शो अभी बंद हो गया है तो थोड़ी सी तो बोरियत आ रही है, लेकिन हम सभी को ये जो करोना जो हम लोगों के बीच आ गया है, हम सभी को एक दूसरे को सहयोग करके घर के अंदर रह के इस बीमारी को दूर भगाना है। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि करोना बहुत ही जल्द जाएगा, जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जिस तरह से वैज्ञानिक लगे हुए हैं, ये करोना बहुत जल्द हम लोगों से हमारा हम लोगों का जो पीछा कह सकते हैं करना छोड़ेगा। और अपने सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं। मंजीत किशोर जी मुझे वॉच कर रहे हैं, रवि कुमार जी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, पंडित कुमार जी मुझे प्रदीप कुमार जी मुझे देख रहे हैं, संजीव कुमार जी मुझे कह रहे हैं कि संजीव यादव छपरा, आप मैडम कैसे हैं? चलिए छपरा से हैं संजीव जी, थैंक यू, मैं अच्छी हूँ। मुझे सियाराम यादव जी देख रहे हैं, परमजीत आर्ट्स मुझे देख रहे हैं, क्रेजी प्रशांत जी मुझे वॉच कर रहे हैं, प्रदीप कुमार हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, रानी अंशु मुझे देख रही है, मेरे बचपन की दोस्त है, विकास कुमार मौर्य कह रहे हैं, सुन लिए बहुत अच्छा लगा, अच्छा करा वीडियो कॉल अच्छा लगा, मेरे जो मेरे फैन हैं उन लोगों को। मंजीत किशोर जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे, पारस जायसवाल जी बर्थडे विश कर रहे हैं, रानी अंशु मुझे हैप्पी बर्थडे देवी कह रही हैं, थैंक यू रानी। अन्नू अंशु कैसी हो? अन्नू कहाँ पे है? सेफ रहना, घर के अंदर रहना। आइए आप लोगों को थोड़ा पहाड़ दिखाते हैं, मैं शायद आप लोगों को दिखेगा, ये मेरी खिड़की है और मैं सोच रही हूँ, लेकिन धूप ज़्यादा होने के कारण शायद नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं ऋषिकेश में हूँ तो यहाँ पे पहाड़ दिखता है, शायद अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। ये है, मेरी खिड़की से बड़ा अच्छा व्यू आता है इस पहाड़ का, तो मैं देखती हूँ कई बार। और सॉरी, बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। राज मिश्रा जी, विजय कुमार जी, रवि आनंद मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, संजय प्रकाश जी मुझे वॉच कर रहे हैं, शिव कुमार झा विद्यापति गीत सुनना चाहते हैं, विद्यापति जी तो बहुत बड़े राइटर हैं,
उन मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, उनके बहुत सारे मैंने गाने भी गाए हैं। और विद्यापति जी का तो खैर कोई जवाब नहीं है, मैं यही कहना चाहूंगी। मृदुल राकेश जी मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, पवन सिंह जी मुझे वॉच कर रहे हैं, शिवम यादव जी मुझे देख रहे हैं, राजेश सिन्हा जी मुझे वॉच कर रहे हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, शिवम यादव जी, शिव कुमार झा। अच्छा ये बताइए, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो गाना सुना कर वीडियो कॉल, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा एक भाई कह रहे हैं कि थैंक यू, आप बिना मेकअप के आई हैं। इससे पता चलता है कि हमारे फैंस मेरे पे कितना गौर करते हैं, कि उनको पता रहता है कि कब मैं मेकअप में हूँ, कब मैं मेकअप में नहीं हूँ। चलिए अच्छी बात है, आप सभी इतना गौर से मुझे देखते हैं इसके लिए। पवन सिंह जी मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, थैंक यू। विनय कुमार जी मुझे देख रहे हैं, विनय कुमार जी मेरे बहुत बड़े फैन हैं। विनय जी इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में लिखते रहते हैं फेसबुक पे, बहुत मेरी तारीफ करते हैं, बड़े उम्दा स्टाइल में करते हैं, बड़े साहित्यिक वे में करते हैं। विनय जी थैंक यू सो मच। और नृपेंद्र, आपका नाम बड़ा कठिन है, नृपेंद्र जी मुझे देख रहे हैं, थैंक यू नृपेंद्र जी। विनय कुमार जी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। विकास गुप्ता जी मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, मेरे बहुत बड़े फैन हैं, थैंक यू। वीर जी पंडित कह रहे हैं, मैडम यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे। हाँ आप लोगों के साथ ही बर्थडे मना रही हूँ लॉकडाउन में, तो आप लोगों के साथ फेसबुक के द्वारा अपना बर्थडे अपना मना रही हूँ। बड़ा अच्छा, राज मंगल जी ने बड़ा अच्छा कुछ लिख के भेजा था, एक बार फिर से राज मंगल जी आप भेज दीजिए, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। राहुल मिश्रा जी मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, थैंक यू राहुल मिश्रा जी। असलम खान जी मुझे देख रहे हैं, विकास गुप्ता जी की कह रहे हैं, पोस्ट कैसा था मेरा देवी जी? बहुत अच्छा था। आप सभी बहुत सारे हमारे मित्रों ने अपने फेसबुक पे पोस्ट लगाया है, मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल पटेल जी मुझे देख रहे हैं, निखिल पटेल जी और उनका पूरा परिवार मेरा फैन है, थैंक यू। रवि सिंह कह रहे हैं कि दिल की गहराई से आपको बर्थडे विश कर रहे हैं मुझे। अच्छा रवि कुमार जी जो हैं, जो कृपालपुर से हैं, उनका भी मैसेज आया हुआ है लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, एक बार फिर से मुझे मैसेज भेज दीजिएगा रवि जी। और मैं अपनी तरफ से कृपालपुर के सभी दर्शकों को, सभी मेरे फैंस को नमस्ते करना चाहूँगी, हाय कहना चाहूँगी, और यही कहना चाहूँगी कि घर के अंदर रहिए, लॉकडाउन रहिए, और इस कोरोना वायरस से बच के रहिए, यही मैं आप सभी लोगों को आज कहना चाहूँगी। रमेश जी कह रहे हैं कहाँ है पहाड़, एक्चुअली दिख नहीं पा रहा है क्योंकि घर के बाहर लाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है, इसलिए सम अदर डे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। डीजे बिट्टू जी कह रहे हैं कि मिक्सिंग कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मिक्सिंग, मैंने सुना करा वीडियो कॉल का जो आपने मिक्सिंग किया है, बहुत अच्छा लगा। राजवीर जी मुझे देख रहे हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं दिल्ली के, राजवीर जी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, थैंक यू सो मच। शैलेश प्रजापति जी, शैलेश प्रजापति जी आप अपना सॉन्ग बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? उनकी शिकायत आ रही है कि मैं कई दिनों से कोई गाने की फरमाइश कर रहा हूँ, आप नहीं सुनाती हैं, आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। निशान झा की फरमाइश है बहे के पुरवारामा। विजय मधु, विजय जी कह रहे हैं कि आपका गाना बहुत अच्छा लगा, विजय जी मुझे हैप्पी बर्थडे भी विश कर रहे हैं। और अशोक दीप जी, मैं बताऊं कि बचपन से उन लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट किए हैं, टी सीरीज में थे, तब से हम लोगों ने काफ़ी साथ काम भी किया है, और उन्होंने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, थैंक यू अशोक दीप जी, दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव चौधरी जी पूछ रहे हैं कहाँ हैं, टेक केयर, मैं अभी ऋषिकेश में हूँ और मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। चलिए निशांत झा की फरमाइश है बहे के पुरवारामा मैं सुना देती हूँ। और अजय ब्रह्माज जी मुझे देख रहे हैं, अजय ब्रह्माज जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं उनको नमस्कार करना चाहूँगी। और अभिषेक पटेल जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा गाना, एक गाने की फरमाइश जो आई है झा जी की, निशांत झा जी की बहे के पुरवारामा, वो मैं सुना देती हूँ, और एक विद्यापति जी के गाने की भी फरमाइश है, उसको भी मैं सुनाऊंगी, तब तक सुनते हैं बहे के पुरवारामा। बहे के पुरवारामा बह गइला पांचवा सजनावा रे,
बही के पुरवारामा बह गइल पाँचवा सजनवा रे, बह गइल शीतल बेयार मोर सजनवा रे, बह गइल शीतल बेयार। सावन में बदरा बरसे सजियाड़ा सब रामा, सावन में बदरा बरसे सजियाड़ा सावे सजनवा रे, लग गइल रतिया जनेंद मोर सजनवा रे, लग गइल रतिया जनेंद। बहे के पुरवा रामा बह गइल पाछुआ सजनवा रे, बह गइल शीतल बेयार मोर सजनवा रे, बह गइल शीतल बेयार। थैंक यू। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। रणधीर जी कह रहे हैं, कुछ बातें कह रहे थे, वो चला गया। क्या कह रहे थे? अजय जी मुंबई से बड़े पत्रकार हैं, ब्रह्मा ब्रह्मता उनका नाम मैं थोड़ा ले नहीं पा रही हूँ, सॉरी अजय जी, लेकिन आपका नाम जो है एक बार फिर से मुझे देखना पड़ेगा क्या है। और आपने मुझे शुभकामनाएं दी इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे मेरे फैंस मुझसे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं, बनल रही भोजपुरी, बनल रहो। थैंक यू। परवल बेचे जाए की फरमाइश रमेश कुमार रॉय जी ने की है, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर जी मुझे वॉच कर रहे हैं, थैंक यू। और कृपाल, जो कृपालपुर गांव से जो रवि जी हैं, उन्होंने पूरे गांव की तरफ से शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक पटेल जी हैप्पी बर्थडे दी कह रहे हैं, थैंक यू विवेक जी। मानस सिंह कह रहे हैं, कोरोना मैसेज मैं पढ़ नहीं पाती, ऊपर चला जाता है। जिनका मैसेज मैं नहीं पढ़ पाऊँ, प्लीज़ आप मुझे दोबारा प्लीज़ भेज दीजिए, क्योंकि मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं पढ़ पाऊँ। एक साथ इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं सबको पढ़ नहीं पा रही हूँ। अनिल ठाकुर जी कहते हैं कि कुछ कह रहे थे तब तक निकल गया। भोजपुरी समाज की तरफ से हैप्पी बर्थडे पवन सिंह फैन क्लब की तरफ से आया है, थैंक यू पवन सिंह फैन क्लब। और अक्षय पांडे जी कह रहे हैं, अशोक अंबानी बोल रहे हैं, थैंक यू अंबानी जी, थैंक यू अंबानी जी का भी मैसेज आ गया, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। संजीव झा जी कह रहे हैं कि आपका गाना काफ़ी एनर्जी से भर देता है। चलिए थैंक यू, आपके मेरे गाने से आपको एनर्जी मिलती है, अच्छी बात है। अच्छा, एक कोरोना वायरस पे गाना गाने की अपील की है मानस सिंह जी ने, छपरा से, बीजेपी में है और दिल्ली रहते हैं फिलहाल अभी, और हम लोग से पारिवारिक रिश्ता है। तो उनकी फरमाइश आई है कि एक गाना कोरोना के ऊपर, तो चलिए आपको एक कोरोना के ऊपर गाना सुनाते हैं और आप लोग इसको ज़रूर सुन के बताइएगा कि कैसा है, और इसमें मैसेज है, जो मैसेज है उस पे जरा गौर करेंगे। राहे के बाटे सबके, राहे के बाटे सबके, घर के भितरिया लक्ष्मण रेखा, कुछ दिन लंघी हन भैया, लक्ष्मण रेखा कुछ दिन लंघी हन भैया। राहे के बाटे सबके, राहे के बाटे सबके, घर के भितरिया लक्ष्मण रेखा, कुछ दिन लंघी हन भैया, लक्ष्मण रेखा कुछ दिन लंघी हन भैया। बड़ा ही कठिन बाटे आयल समैया, बड़ा ही कठिन बाटे आयल समैया, कोरोना बा कोरोना बा टूटल सब पे बन के विपत्तिया, कोरोना बा टूटल बन के, कोरोना बा टूटल सब पर बन के विपत्तिया। लाड़े के बाटे सबके, लाड़े के बाटे सबके, मिलके ही लड़ैया लक्ष्मण रेखा, कुछ दिन लंघी हन भैया, लक्ष्मण रेखा कुछ दिन लंघी हन भैया। राहे के बाटे सबके,
रहे के बाटे सबके घर के भितरिया, लक्ष्मण रेखा कुछ दिन लगी है ना भैया। थैंक यू फैंस, थैंक यू फ्रेंड्स। विकास सिंह जी मुझे कह रहे हैं क्या बात है देवी जी, काफ़ी दिन बाद आपसे मिल रहे हैं। लोकेश भारद्वाज जी मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, और अरुणिमा जी मुझे विश कर रही हैं, थैंक यू अरुणिमा जी। मिंटू कुमार राज कह रहे हैं देवी जी भोजपुरी की सुपरहिट, थैंक यू। शिवम यादव जी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, करा वीडियो कॉल मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी एक भाई साहब ने मुझे कहा है जो मेरा गाना आज रिलीज हुआ है करा वीडियो कॉल, उनको बहुत ही अच्छा लगा है। चलिए आपको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा सुन के कि आप सभी को मेरा काम पसंद आया। गोलू राजा, सुनील चौरसिया जी मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप फेसबुक पर लाइव आई इसके लिए शुक्रिया शायद करना चाह रहे थे, ऊपर चला गया मैसेज मैं पढ़ नहीं पाई। सोनू शाह कह रहे हैं कि आप कैसी हैं मैम, आपको 10 साल बाद आपको देखा। चलिए 10 साल बाद हमारी मुलाकात हुई, थैंक यू, और अच्छे दिन पे हुई, आज मेरा जन्मदिन भी है। हाय देवी कैसी हैं। पत्रकार मिथिलेश जी मुझे देख रहे हैं, संजय प्रेमी जी मुझे देख रहे हैं, और जो निशांत तिवारी जी हैं, कुमार एस के लक मुझे देख रहे हैं, कृष्णा त्रिपाठी जी मुझे देख रहे हैं, सूर्यकांत पाठक जी देख रहे हैं, ललित कुमार प्रभाकर जी मुझे देख रहे हैं, संतोष कुमार जी मुझे देख रहे हैं, शिव यादव जी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। अच्छा, एक गाने की फरमाइश बड़ा अच्छा किया है एक भाई साहब ने कि ले ले अय्या हमरे राजा जी जयपुर से चुनरी, चलिए वो सुना देते हैं। ले ले अइहा हमरे राजा जी जयपुर से चुनरी, ले ले अइहा हमरे राजा जी चुनरी पहिरी हम, चुनरी पहिरी हम बनी जाई बस सुनरी, ले ले अइहा हमरे राजा जी जयपुर से चुनरी, ले ले अइहा हमरे राजा जी ओही रे चुनरिया में गोटा लगवाई, ओही रे चुनरिया में गोटा लगवाई, नर नन ना 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 नर नाई, सोनपुर के मेला देखे सखी संग जाई, गोदिया में बेटा खेली, गोदिया में बेटा खेली होई हुनरी, ले ले अइहा हमरे राजा जी जयपुर से चुनरी, ले ले अइहा हमरे राजा जी। थैंक यू रत्ना दीदी मुझे देख रही हैं, बहुत बहुत थैंक यू रत्ना दी, कैसी हैं आप। और शिव यादव जी कह रहे हैं कि प्लीज रिप्लाई करिए। सुधीर कुमार जी कोरोना वायरस पे कुछ सुनना चाहते हैं, मैं जरूर सुनाऊंगी। हाँ, एक भाई साहब कह रहे हैं कि आपका नया सॉन्ग आने वाला था वो आ चुका है, करा वीडियो कॉल के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे करा वीडियो कॉल सिंगर देवी तो आपको मिल जाएगा। फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक इंटरटेनमेंट की तरफ से ये रिलीज हुआ है, फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक इंटरटेनमेंट की तरफ से रिलीज हुआ है, आप सभी देख सकते हैं यूट्यूब पे, जब आप यूट्यूब पे देखेंगे करा वीडियो कॉल तो आपको मिल जाएगा। सिंगर अमित मिश्रा जी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, और सुमंत कुमार तिवारी जी मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं, रीना कुमारी जी का रही, वाह झकास आपके गाने का जोड़ नहीं, थैंक यू रीना जी, थैंक यू रीना जी। अमरेश सिंह जी मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, संतोष कुमार झा जी मुझे देख रहे हैं, दीपू जी परवल बेचे जाइब की फरमाइश कर रहे हैं, चलिए आपको परवल बेचे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा साहनी पवन जी कह रहे हैं कि आपके काजल पे गजल लिखने को सोच रहा हूँ, अगर आपके काजल पे कुछ बातें कर रहे थे तब तक मैसेज चला गया। साहनी जी एक बार फिर से भेजिए, मैं भी थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे थे। और धर्मेंद्र भोजपुरिया कह रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रही हैं, थैंक यू आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है, आप शादी कब करेंगी। भाई साहब सोनू कुमार जी पूछना चाह रहे हैं कि आप शादी कब करेंगी, आपको पता है कि अभी सारा प्रोग्राम सारा कुछ रुका हुआ है, पूरे पूरा वर्ल्ड ठहर गया है, जिनकी शादी होने वाली थी जिनका डेट फिक्स था उनका भी शादी पोस्टपोन हो गया है, आगे बढ़ गया है, तो
तो अब इस सिचुएशन में मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं शादी कब करूंगी। पहले हम सभी लॉकडाउन से तो उबरे, लॉकडाउन से उबरेंगे तो शादी भी होगी, बाराती भी होंगे, नाच भी होगा, गाना भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, सॉरी। हाँ, एक भाई साहब कह रहे हैं कोरोना के बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोरोना के बारे में तो एक्सपर्ट आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे, डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि किस तरह से उसका बचाव चाहिए, बचाव रखना चाहिए। जो हम लोगों को जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से यही है कि हमें घर के अंदर रहना है। जितने लोगों से कॉन्टैक्ट कम होंगे कोरोना से बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो है वो बीमारी जो है वो लोगों से फैल रही है। आप जितने लोगों से ज़्यादा मिलेंगे चांसेस ज़्यादा है इस बीमारी को, तो घर में के अंदर रहिए। जितने कम कॉन्टैक्ट्स होंगे वो आपके लिए बेहतर है। हाथों को धोते रहिए, क्योंकि कई बार हाथ में अगर वायरस आ गया है आपके और उसी हाथ से आप मुंह को छूते हैं या नाक को छूते हैं तो अंदर चला जाएगा, इसलिए हाथ को धोते रहना है। ये जो जानकारी हम लोगों को मेरे पास है। और बाकी अगर आपको कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर, आप डॉक्टर्स जो ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं और उनके जो लेख हैं उसको आप पढ़िए, विकिपीडिया पे जाइए, विकिपीडिया से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। और हम लोग तो बस जो भी जानकारी है वो डॉक्टर्स के थ्रू थोड़ी बहुत है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दक्षेद जी का है, दक्षेद जी कुछ कहना चाह रहे थे, तब तक उनका मैसेज ऊपर चला गया। अच्छा, दक्षेद त्रिपाठी जी है, कृष्णा त्रिपाठी जी के बेटे हैं, उनका भी जन्मदिन है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश पंडित जी कह रहे हैं लॉकडाउन में सोनपुर मेला थोड़ी लगा है अभी। अरे, गाना तो मैंने लॉकडाउन से पहले गाया था सोनपुर का, वो सुना रही हूँ आपको। अभी थोड़ी कह रही हूँ कि आप सोनपुर मेला जाइए, आप कहीं मत जाइए, घर के अंदर रहिए। अभी तो फिलहाल जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, ये वाली बात है। कृष्णा त्रिपाठी जी शुभकामनाएं दे रहे हैं। संजीव कुमार भी मुझे देख रहे हैं, कुएं का ठंडा पानी सुनील कुमार जी की फरमाइश है। दिलीप कुमार शाह कह रहे हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू थैंक यू, लंबी उम्र की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और भी बहुत सारे मैसेजेस, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस पास हो जा रहे हैं क्योंकि मैं सबको पढ़ नहीं पा रही हूँ। एक बार फिर से आप भेजिए, आपकी काजल पे एक गज़ल लिख रहा हूँ, एक बार, एक मिनट, लेट्स, आपके आपकी काजल पे एक गज़ल लिखना चाहते हैं साहनी जी। चलिए, अच्छी बात है, मेरे काजल पे एक गज़ल लिखना चाहते हैं, बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप जल्दी से लिख के मुझे भेजिए, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मगर आपके काजल की लाइन गजल से भी गहरी हो जाती। ओ हो, ये मामला है। चलिए भाई, अच्छी बात है, लेकिन आप लिखिए, मैं भी सुनना चाहती हूँ। एक भाई साहब की फरमाइश है निमिया के डार मैया, अविनाश यादव जी की, वो भी सुनाएंगे। रामू मितवा जी मुझे देख रहे हैं, सत्येंद्र सिंह जी, देवी जी आप पहचान में नहीं आ रही हैं। पहचान में नहीं आ रही हूँ क्यों भाई? ऐसा तो नहीं कि आपके आंखों का जो चश्मा है उसका नंबर बदलने की जरूरत है आपको? अब भाई साहब, अब ये कहिएगा कि आप पहचान में नहीं आ रही हैं तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ? एक पवन सिंह फैन क्लब से है, परवल बेचे जाए की फरमाइश, वो सुनाएंगे। फतुर रहमान जी मेरे बड़े फैन हैं, मैं भी उनको बड़ा पसंद करती हूँ, और उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देवी, धनंजय कुमार मिश्रा कह रहे हैं कि देवी जी आई एम प्राउड ऑफ यू दैट, चला गया, हल्का हल्का सुरूर की फरमाइश किसी ने की है। अक्षय पांडे जी भी मुझे देख रहे हैं। यस, चलिए, आप लोगों को एक गाने की फरमाइश बहुत देर से आई थी, परवल बेचे जाए, वो सुना देते हैं। परवल बेचे जाए बभागलपुर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेचे जाए बभागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। परवला बेची बेची पायल गढ़ाई बे, परवला बेची बेची पायल गढ़ाई बे, पायल पहन बे जरूर। परवला
पायल पहिर बे जरूर राजमत रह दूर, परवल बेचे जाई भागलपुर ए राजमत रह दूर, ऐ राजमत रह दूर। थैंक यू। और एक गाना और फरमाइश है निमिया के डर में, वो सुना देते हैं। अरे निमिया के डाढ़ी मैया लावेली ही लोरवा के झूली झूली ना, निमिया के डाढ़ी मैया लावेली ही लोरवा के झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूली ना। झूलत झूलत मैया के लगाले पियसिया के चली भैली ना, झूलत झूलत मैया के लगाले पियसिया के चली भैली ना, मलहोरिया अवसवा के चली भैली ना, मलहोरिया अवसवा के चली भैली ना। थैंक यू। अनिल ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं एक बार सोनपुर मेला गया हूँ। थैंक यू, अच्छी बात है, मेला तो घूमने वाली जगह होती है, अच्छा लगता है। हम लोग भी बचपन में ख्वाहिश होती थी सोनपुर मेला जाने की। एक गाना गा दीजिए, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। खनक देवी जी कह रही हैं, थैंक यू खनक देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया सोनी जी कह रहे हैं, बहुत दिन बाद लाई आवाई आई देवी जी। यस। एम डी जी कह रहे हैं कि पहचान में नहीं आ रही हैं देवी जी। मैं इस बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ कि मतलब पहचान में नहीं आ रही हूँ, तो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए क्यों नहीं पहचान में आ रही हूँ। मेरा नथ वही है, मेरे बाल वही हैं, मेरी आंखें वही हैं, फिर मैं आपको पहचान में कैसे नहीं आ रही हूँ। संतोष कुमार जी, कैसे बीतल हमार बाली उमरिया। अच्छा, ये गाने की फरमाइश बिट्टू जी ने की है, जो मेरा नया सॉन्ग आया है करा वीडियो कॉल, उस गाने को गाने के लिए। देखिए ये गाना ऐसा है कि आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है। हम लोग एक जो जो लोग शादीशुदा है उनको पता होगा कि पत्नियां एक एक मिनट का खबर लेती रहती है, भाई पति जी कहाँ पे है। अब कई बार पति बिजी होता है, काम में होता है, लेकिन पत्नी कहती नहीं आप वीडियो कॉल करके दिखाओ आप कहाँ हो, क्योंकि कई सारी वाइफ को ये होता है, मतलब डाउट होने लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पति देव मैं घर पे बर्तन माज रही हूँ, मैं घर पे रोटी बेल रही हूँ, और ये भाई साहब किसी के साथ पिकनिक मना रहे हो या किसी के साथ मस्ती कर रहे हो, ऐसी तो बात नहीं है। तो इसलिए वो अपने जो अपने हस्बैंड पे है उसको वो क्या कहती है, फुल नाइट बहरा तू रहे मस्त, फुल नाइट बहरा तू रहे मस्त, अपना सोना के तुरिहा ना ट्रस्ट, अपना सोना के तुरिहा ना ट्रस्ट, कब ना चक्कर में रहेला बीजी, कब ना चक्कर में रहेला बीजी, देखब तबे नींद पड़ी पड़ी, करा करा ए राजा करा वीडियो कॉल यही घड़ी, कहाँ बाड़ा ए राजा करा वीडियो कॉल यही घड़ी।